नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है। तो हम एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, एक सपोज ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। एक समबाहु त्रिभुज के भीतर वृत्त के अंदर एक वर्ग है, तो इसके भीतर एक हम ऐसा वृत्त एज्यूम कर लेते हैं, ये हो जाएगा वृत्त। अब वृत्त के अंदर एक वर्ग है, तो वर्ग जिसकी सभी भुजाएं बराबर, तो इस तरीके से हम एक वर्ग ड्रॉ कर लेंगे। त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो यहाँ हम देखेंगे ये सेंटर पॉइंट केंद्र हो जाएगा, तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या हो जाएगी, ये वाली, ये त्रिज्या। तो यहाँ से ये भी जो है त्रिज्या हो जाएगी, मतलब यहाँ देखेंगे हम जो त्रिज्या का जो डबल है वो व्यास हो जाएगा। तो हम चित्र के अनुसार देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है, तो हमको पता है जब समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त होता है तो अंतः वृत्त की त्रिज्या होती है, अंतः वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिज्या जो होती है वो होती है, सपोज अगर इसकी भुजा ए है तो वो हो जाती है ए बाय टू रूट थ्री। प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज के भीतर अंतः वृत्त की त्रिज्या होती है वो भुजा का आधा और एक बटे करणी तीन गुना होती है। अब अगर ये यहाँ डायग्राम में देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक अगर ये त्रिज्या होगी तो ये जस्ट डबल जो है वो विकर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर डायग्राम में जो विकर्ण हो जाएगा वो विकर्ण व्यास के बराबर हो जाएगा, व्यास। तो यहाँ पर हम कर देंगे 2R, 2R की वैल्यू है हमारे पास a बाय टू रूट थ्री, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a बाय रूट थ्री। तो जो व्यास हो जाएगा वो हो जाएगा, जो विकर्ण हो जाएगा a बाय रूट थ्री। अब चूंकि हम वर्ग में जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, वर्ग में क्या होता है, जो विकर्ण होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो जो भी भुजा होती है उस भुजा का कर्णी दो गुना होता है, ये पाइथागोरस से हम जानते हैं। वर्ग में जो विकर्ण होता है भुजा का कर्णी दो गुना होता है। तो क्या करें, जो भुजा है वो हमारे पास जो विकर्ण है वो है ए वाई रूट थ्री। तो यहाँ से अगर हमको भुजा फाइंड करनी है तो ये रूट टू है, देयरफॉर क्या हो जाएगी, जो भुजा आ जाएगी हमारे पास वो रूट टू का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए रूट थ्री में रूट टू का हम गुणा कर देंगे तो ए तीन दुनी छः, ए बाय रूट सिक्स। तो ये किसकी भुजा हो जाएगी, वर्ग की, वर्ग की भुजा ए बटे कर्णी छः हो जाएगी, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात फाइंड करना है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, यहीं पर हम देख लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो ए वाई रूट सिक्स का अगर हम यहाँ पर वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा ए का वर्ग और रूट सिक्स का वर्ग हो जाएगा छः, तो ये हो जाएगा हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल, इतना आ गया हमारे पास। अब समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज में हमको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, रूट थ्री वाई फोर भुजा का वर्ग, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इनके क्षेत्रफलों का हमको अनुपात निकालना है, तो अनुपात हम निकाल देते हैं, अनुपात में क्या करेंगे, रूट थ्री वाई फोर ए का वर्ग और ए का वर्ग बटे छः, ये हम कैंसिल कर देंगे, ये दो बार और ये तीन बार, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, देयरफॉर तीन में करणी तीन का गुणा हो जाएगा और इसमें हो जाएगा दो का गुणा, तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा तीन करणी तीन अनुपात दो, ये समबाहु त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। क्या किया, वी नो दैट, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में अंतः वृत्त की त्रिज्या होती है भुजा का आधा और एक बटे करणी तीन। अब ये चित्र के अनुसार जो त्रिज्या है उसका जस्ट डबल व्यास के बराबर होगा, तो वर्ग का जो विकर्ण है वो व्यास के बराबर होगा यहां पर, तो व्यास त्रिज्या का दो गुना, तो दो का गुणा कर दिया तो ये विकर्ण हो जाएगा, वो ए वाई रूट थ्री हो गया। अब वर्ग में हम जानते हैं कि वर्ग में जो विकर्ण होता है वो वर्ग की भुजा का कर्णी दो गुना होता है, तो विकर्ण की वैल्यू रखी भुजा कर्णी दो, तो वर्ग की भुजा यहाँ पर निकल कर आई ए बटे कर्णी छः। अब चूंकि हम जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है
वो भुजा का वर्ग होता है, तो ए वाई रूट सिक्स का वर्ग कर दिया, ये हो गया ए स्क्वायर बटे छ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट थ्री बाय फोर ए का वर्ग होता है। इनका हमको अनुपात निकालना था, तो हमने दोनों का अनुपात निकाल दिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो आंसर हो गया 3 * 3 / 2। धन्यवाद, नमस्कार।